राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक आप श्री पवन श्रीवास्तव जी विराजमान हैं, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के संस्थापक पूजनीय श्री केन गोविंदाचार्य, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आप श्री बसवराज पाटिल जी, और ये श्री यमुना जी की यात्रा है जो यमुनोत्री से प्रयागराज तक होनी थी। इस यात्रा में एक बात सिर्फ इतनी जोड़नी है हमको, ये नदियों की यात्रा जो गोविंद जी कर रहे हैं इसके पीछे एक बहुत स्थापित सत्य है कि दुनिया की जितनी भी बड़ी सभ्यताएं हैं उनका जन्म, उनका विकास, उनका पालन पोषण ये किसी न किसी नदी के किनारे ही हुआ है, और वो सारी सभ्यताएं उन नदियों के नाम से जानी भी जाती हैं। तो नदियों को जानने का मतलब ये है कि उसके इर्द गिर्द बसने वाले समाज को जान लेना। नदियाँ एक तरह से वो नाड़ी हैं जिस पर हाथ रखकर आप पूरे शरीर के उसको समझते हैं। अगर इस देश की नदियों को देख लिया गया, समझ लिया गया, तो इस देश को जान लिया गया। गंगा, यमुना, गंगा, नर्मदा और अब यमुना, इन तीन नदियों की यात्रा में कितने सब प्रदेश आ जाते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गंगा की यात्रा में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, ये इतना उसमें हुआ। नर्मदा जी की यात्रा में मध्य प्रदेश, मुख्य रूप से गुजरात, ये दो प्रमुख राज्यों के बारे में जानकारी मिली। और ये अब श्री यमुना जी की यात्रा में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अब दिल्ली, तो इतना कुछ उसके आसपास के जीवन के बारे में समझने का मौका मिला, नदी की स्थिति के बारे में भी समझने। प्रकृति कहते ही जल, जंगल, जमीन, जानवर, ये सारे प्रकृति का हिस्सा तो है। नदी का सभ्यता, संस्कृति जो हमको मिले हैं उसका हमारा नया पीढ़ी का, विशेषतः अभी हम ग्लोबलाइजेशन के बाद ये 21st सेंचुरी में जन्म लिया इस पीढ़ी को, ये राष्ट्रीय स्वाभिमान का पहचान वो जनरेशन का गलती नहीं है, गलती हमारा ही है। हम कश्मीर भी हमारा, कश्मीरी भी हमारा, हम एक विषय लिया कश्मीर का संदर्भ में, एक बहुत बड़ा मुद्दा लेके राष्ट्रीय स्वाभिमान गता 18 साल से काम कर रहे हैं और कई उपलब्धि प्राप्त किया है अभी तक स्वाभिमान आंदोलन, विशेषतः जो ऐसे ही जस्ट जानकारी के लिए 2 मिनट में, जो पंचायत राज का व्यवस्था में हम 2013 में एक बड़ा आंदोलन जंतर मंतर में ही अनटाइड फंड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से डिक्लेयर्ड फंड से अलग है, वहां का ग्राम सभा तय करेगा हमारा गांव के लिए क्या काम हो। तो इलेक्ट्रल रोल फार्म्स में जो ईवीएम मशीन में नोटा का बात आई, नोटा का भी इनकॉर्पोरेट हुआ, लेकिन उसका लॉजिकल कंक्लूजन पे भी काम हो रहा है। केवल नोटा का वोट कितना मिला वही आंकड़ा मिल रहा है। सेंट्रल मिनिस्ट्री में एक गंगा रिजुनेवेशन, एक सेपरेट मिनिस्ट्री है, सारे दुनिया में नाइल रिवर पे, थेम्स रिवर पे और एक साउथ अमेरिका में एक नदी है और चौथवा है गंगा पे।